डॉक्टर साहब इधर आओ, हाँ दो शर्ट को बेच आओ, पहले ले आओ इधर। पूरे विश्व में वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे बनाया जा रहा है और मुझे इस बात की मसर्रत और खुशी इसलिए है कि मैं अपने आज और मैं थोड़ा भावुक भी हूँ, इमोशनल भी हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ। अगर मैं पीछे जाके 35 या 36 साल देखूँ और जो सफ़र ये फार्मिस्ट जो हमारी यहाँ की जम्मू कश्मीर की एसोसिएशन है और उसके जो फाउंडर मेंबर हैं, आज मैं उन्हीं लोगों के साथ और जो आज हमारे अध्यक्ष हैं सुशील सूदन जी और उनकी जो पूरी टीम है, मैं रात को विचार विमर्श कर रहा था क्योंकि कहीं भी प्रोग्राम में जाना होता है तो ये मेरे लिए बहुत ही आज मुझे लगता है कि मसर्रत का दिन है, खुशी का दिन है और कहीं ना कहीं जो मेरी पुरानी यादें हैं और जो सहयोग इन लोगों ने मुझे दिया है जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना और 4 साल मैं जम्मू कश्मीर का हेल्थ मिनिस्टर रहा, मुझे लगता है सबसे लंबा कार्यकाल मेरा रहा है और उन 4 सालों में जो हेल्थ विभाग के जम्मू कश्मीर की बुलंदियों को पूरे हिंदुस्तान में छुआ, उसके लिए मुझे लगता है कि जो मेरा पैरामेडिकल स्टाफ था सफाई कर्मचारी से लेके और जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं वो आशा वर्कर हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था, आज मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो लोग भी थोड़े डिस्करेज हैं। तो आज का जो जिस तरह से मैंने कहा है कि विश्व में पूरा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, मैं भी उनका एक अंग हूँ और हमेशा मैं सबसे पहले यही सोचता हूँ, तो आज के उस दिन पे खसूसन तौर पर सुशील जी को और इनकी जो सारी टीम है, आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन उसके साथ साथ जो 36 साल का मैंने अपने हाथों से देखा है कि सुशील जी ने जब सर्विस शुरू की थी और ये सब साथी हैं, आज के उस दिन में कुछ लोगों उन लोगों की भी याद आती है जो हमारे बीच नहीं है कोविड की वजह से या नेचुरल डेथ की वजह से, तो वो यादें भी आज ताज़ा हो रही हैं। लेकिन मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है, मैं इस टीम का जो मैं जज्बा देख रहा हूँ और जिस तरह से इन्होंने कोशिश की है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो या हेल्थ के दूसरे वर्कर हों, उनकी जितनी भी डिमांड्स को एड्रेस करने की कोशिश और बहुत ही डिसेंट तरीके से और पिछले 1.5 साल से जिस तरह से कोविड महामारी को हेल्थ के जो वर्कर हैं हमारे कार्यकर्ता हैं और उसमें डॉक्टर साहबान भी आते हैं, फर्स्ट फेज में तो हम ठीक ठाक निकल गए थे लेकिन सेकंड फेज में जो दुश्वारियाँ जो डिफ़िकल्टीज खसूसन तौर पर ये हेल्थ वॉरियर्स जो हैं उन्होंने फेस की हैं, मैं उन तमाम परिवारों को शत शत नमन करता हूँ आज के इस दिन पे जो हमारे बीच में नहीं हैं, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए कॉन्शियसली परफॉर्म करते हुए आज हमारे बीच नहीं हैं। हम उनके परिवारों के साथ भी संवेदना प्रकट करते हैं और उनके चरणों में शत शत नमन करते हैं। और मैंने जिस तरह से कोविड 2 की बात की है, जम्मू में कहीं किंतु परंतु होता है और मुझे लगता है कि आप मीडिया के लोग भी मुझसे सवाल करेंगे, लेकिन उसमें जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर की कोई कमी नहीं थी, जो मैंने भी देखा और बाद में मुझे पार्टी ने लाइजनिंग के लिए जम्मू कश्मीर के हेल्थ विभाग को देखने के लिए उसका मुझे नियुक्ति भी की और जो मैंने गैप आइडेंटिफाई किए वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थे, चाहे वो ऑक्सीजन यूनिट जो थे वो इम्प्लांट करने थे या दूसरी चीज़ें थी
लेकिन जिस तरह से मेरे हेल्थ वर्कर ने, हेल्थ वॉरियर्स ने ड्यूटी परफॉर्म की है, उसके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समाज को ये बात जरूर कहूँगा कि इन लोगों की मुश्किलें जो हैं आप हमेशा सहयोग करते हैं, और खसूसन तौर पर ये जो पैरामेडिकल स्टाफ है और उसमें फार्मासिस्ट, आज उसकी जो हमारा डिसिप्लिन है वो मैं अपनी तकरीर में बात करूँगा, थोड़ा उसको थिन किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से माननीय सूदन जी, सुशील सूदन जी और इनकी जितनी भी टीम है बहुत ही कमिटेड हैं, डेडिकेशन, डिवोशन और कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। जो आपके इशू रह गए हैं, मुझे लगता है कि जब भी इस समय तो एक हम ऐसे ट्रांजिट पीरियड से ये जम्मू कश्मीर जो रियासत थी वो गुजर रही है, मैं तो आज भी इसको रियासत कहता हूँ क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये सबसे बड़ी और खूबसूरत रियासत है, वो तो हमें लेनी भी है और केंद्रीय सरकार ने हमें देनी भी है, इसीलिए मैं यूटी नहीं कहता हूँ हमेशा। तो जिस तरह से ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं आज के इस दिन पे, मैं इनको शत शत नमन भी करता हूँ अपने भाइयों को, और इनको मुबारकबाद भी देता हूँ।